यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। तालिबान को मान्यता देकर चीन ने पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया था, और अब तालिबान ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान पर वो अपनी निर्भरता कई हद तक कम कर देगा। दरअसल तालिबान ने चीन को चाबहार बंदरगाह के जरिए पहला शिपमेंट रवाना किया है। तालिबान सरकार में बंदरगाह और आर्थिक मामलों के उप प्रमुख ने ये जानकारी दी है कि निमरोज से अफगान खनिजों को ले जाने वाले लगभग 12 ट्रकों को चीन के लिए रवाना किया गया है। इसे ईरान के सिस्तान प्रांत के जरिए चाबहार तक भेजा गया है। आपको बता दें, चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से को भारत भी संचालित करता है। तालिबान के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है, और उसे ये झटका दिया भी उसके सबसे करीबी चीन ने, क्योंकि इससे पहले तालिबान कई हद तक पाकिस्तान पर ही निर्भर रहता था। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को बीच से हटाकर तालिबान से सीधे हाथ मिला लिया। तालिबानियों ने खुद ये बात कही है कि चाबहार बंदरगाह उनके लिए लाइफलाइन की तरह काम करेगा। इससे उनकी निर्भरता पाकिस्तान पर से कम होगी, और तो और इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान से भारत और यूरोपीय देशों को अफगान वस्तुओं के निर्यात में काफी आसानी होगी। तालिबान ने जानकारी दी कि निमरोज से रवाना हुए खनिजों के 12 ट्रक चाबहार पहुंचे, जहां से उन्हें चीन के लिए एक जहाज पर भेज दिया गया। बता दें, चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से को भारत भी संचालित करता है। चाबहार व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में से एक है। बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की भी इसमें मुख्य भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इस बंदरगाह का इस्तेमाल भारत, बांग्लादेश, तुर्की और चीन जैसे देशों को अपना माल का निर्यात करने के लिए कर सकता है। इसके साथ ही साथ तालिबान तुर्की के माध्यम से यूरोपीय देशों में अपने माल को भी भेज सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा। तालिबान जितना ज्यादा दूसरे देशों से जुड़ेगा, पाकिस्तान के लिए उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। सीमा पर पहले से ही दोनों देशों में तनाव चरम पर है, और पाकिस्तान के साथ व्यापार में तालिबान को काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा। सीमा शुल्क में वृद्धि के साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान को परेशान करने के लिए उनके ड्राइवर्स के लिए वीजा, पासपोर्ट और अस्थायी प्रवेश परमिट में दिक्कत पैदा करता है। अक्सर पाकिस्तानी सीमा चौकियों को बंद भी कर देता है, जो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन तालिबान ने भी इसका उपाय निकाल ही लिया। तालिबान ने चीन को चाबहार बंदरगाह के जरिए पहला शिपमेंट रवाना किया है, जो अपने आप में उसके लिए एक बड़ी सफलता है। मगर चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सगा मानता है, उसकी तालिबान से करीबी पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।